हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्प्रिंग आलू कटलेट्स की रेसिपी। ये नाम मैंने इसको दिया है क्योंकि स्प्रिंग अनियन और आलू से बने। आपको क्या लगता है इसको क्या नाम देना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ वेजेस लिए हैं, जैसे कैरेट्स, स्प्रिंग अनियन बोथ हरा पार्ट एंड वाइट पार्ट, और एक मीडियम साइज़ का प्याज। ठीक है, तो इन सबको बारीक चॉप कर लो, और कैरेट्स को मैंने ग्रेट किया था। इसके बाद एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हो। इसके बाद स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट और जो अनियन हमने कट करके रखा था ना, वो दोनों इसमें डाल दो, और इसको 30 सेकेंड्स के लिए पहले सॉटे कर लो। उसके बाद इसमें डालो ग्रेटेड कैरेट्स। ठीक है, जो गाजर हमने ग्रेट करके रखे थे वो इसमें डाल दो, और फिर से 30 सेकेंड्स के लिए इसको भून लो। यूजुअली कटलेट्स में वेजेस को ऐसे ही डम किया जाता है, बट मैंने सोचा कि इसको थोड़े से फ्राई करके डाला जाए। आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना और देखिए आपके कटलेट्स कितने ज़बरदस्त लगते हैं। और 30 सेकेंड्स के बाद हरी प्याज जो है उसका हरा पार्ट डाल दो, और इसको अच्छे से एक मिनट के लिए सबको साथ में मिक्स कर लो। गाइस, ये बहुत ही जल्दी बनने वाले कटलेट्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी टू मेक और बहुत ही डिलीशियस टू ईट है ये कटलेट्स। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाला है। ठीक है, मेरे पास पड़ा होता तो मैंने डाल दिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस। आप लोगों को नहीं डालना है तो आप कम्प्लीटली इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, इससे इसमें कोई भी टेस्ट में चेंज नहीं होगा। गाइस, स्प्रिंग अनियन ना विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं, ये हमें सर्दी और खांसी से भी बचाते हैं। स्प्रिंग अनियन में एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जो हमने अभी बनाया था वो हमें आलू में मिक्स करना है। ये मैंने 4 बड़े आलू लिए थे, इनको बॉईल करके इनको फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर इसको मैंने ग्रेट किया था। ठीक है, आप जब भी आलू यूज़ करो तो उनको ठंडा करके फिर ग्रेट करना। अब इसमें हम डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे धनिया पत्ता, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इसके बाद हम डालेंगे ओरिगैनो। तो गाइस, चाट मसाला डाल रहे हैं हम, इसलिए नमक आप थोड़ा ध्यान से डालना, और उसके बाद में लास्ट में टेस्ट करके भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि चाट मसाला भी थोड़ा सा नमक में ज़्यादा होता है, तो इसलिए नमक और चाट मसाला जब डाल रहे हो तो ध्यान से डालना, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो। मैंने आलू और वेजीज़ का प्योर टेस्ट बनाए रखने के लिए इसमें कोई भी फ्लार ऐड नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लार या मैदा ऐड कर सकते हो। तो चलिए अभी हाथों को ग्रीस कर लो ऑयल से, और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लो, जितना आपकी मर्ज़ी हो आप उतना पोर्शन ले सकते हो। और इसके हमें बनाने हैं कटलेट्स, तो मैं नॉर्मल यूजुअल जो राउंड शेप होता है मैंने वही दिया है, अगर आपको कोई और शेप देना हो तो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। तो गाइस, मैंने ये दो तरीके से बनाए हैं, एक तो आप इनको डायरेक्टली ब्रेड क्रम में कोट कर सकते हो, या तो आप इनको स्लरी में पहले डुबा के फिर ब्रेड क्रम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी ये कटलेट्स बना के रेडी करोगे तो आप इनको फ्राई करने के पहले 30 मिनट से लेके 1 आवर तक आप इनको फ्रिज में रख देना, ताकि ये अपनी शेप पकड़े। तो इस मिक्सचर में मेरे अराउंड 14 कटलेट्स बन गए थे। अगर आप इससे छोटे भी बनाते हो तो आपके 16 से 17 आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको फ्रिज में रख देना 1 घंटे तक के लिए, और उसके बाद इसको फ्राई करना मीडियम हॉट ऑयल पे, इसको फ्राई करना 2 से 3 मिनट एक साइड पे। तो देखिए गाइस, हमारे स्प्रिंग आलू कटलेट्स बिल्कुल रेडी है। गाइस, ये साइड से क्रिस्पी और बीच में से सॉफ्ट, गाइस ये बहुत ही टेस्टी थे खाने में। गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये एक वे है। दूसरा वे ये है कि मैंने इसको स्लरी में डुबा के पहले मैदा और कॉर्नस्टार्च की एक स्लरी बना ली थी, और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम लगा के इसको फ्राई किया था। तो गाइस, ये भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं खाने में, और वो वाले तो बहुत ही बेहतरीन हैं। आप लोग ये कोई भी एक ट्राई कर सकते हो, आप दोनों वे से भी ट्राई कर सकते हो। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही इजी टू मेक और फास्ट है। अगर आपके घर में अचानक कोई भी मेहमान आते हो और आपके घर में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना हो तो आप ये जल्दी से बना सकते हो, सरप्राइज हो जाएंगे वो, और टेस्टी तो इतने हैं कि तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो
तो वेलकम। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सब लोग ये बनाए और मज़े ले सकें। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मिले। दुआओं में याद रखना। बाय बाय।